अस्सलामु अलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए बिहार बीपीएससी एग्जामिनेशन मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट टू के साथ हाजिर हुआ हूं। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट वन को पूरा कंप्लीट कर चुका है, और जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं आप लोगों की आसानी के लिए जो है प्ले लिस्ट बना चुके हैं, आप लोग वहाँ से आसानी से देख सकते हैं हर एक वीडियो लेक्चर को। और कंप्लीट पूरा सिलेबस का जो है पीडीएफ नोट्स, चाहे वो इंग्लिश का हो उर्दू का हो, इंग्लिश का 25 मार्क्स और उर्दू का 75 मार्क्स टोटल जो है आप लोगों को मेरा प्ले स्टोर पे मिल जाए। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है एएस उर्दू एजुकेशन नाम से, वहाँ से जाकर के आप लोग जो है ले सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर मेरा नंबर पे डायरेक्ट आप लोग कॉन्टैक्ट करें 9508214760, इससे भी आप लोग डायरेक्ट ले सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, नंबर लेना चाहे तो आप लोग अबाउट से जाकर के ले लीजिए नंबर को, या फिर होम पेज में भी आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। आइए फाइनली आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक से हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एक में दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, देख पा रहे होंगे, दर्ज ज़ैल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। आपके पास ऑप्शन है, काफ़ी आसान है और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा फास्ट ही चलाएंगे हम लोग। ठीक है, देखो, प्यार, छुट्टी और ख़त, इनमें से कोई नहीं। दर्ज ज़ैल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। मुअन्नस की बात करें, आप लोगों ने जितने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एक का ऑप्शन नंबर बी बता रखे हैं, छुट्टी, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, छुट्टी हो गई। देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके पास, हुस्न की ज़िद क्या है, तो ज़िद आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखो, कबह, हसीन, एहसान या फिर मोहसिन, तो हुस्न की ज़िद होती है कबह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन आपके पास, रंग जो है इसमें ज़ात है, तो उसका मजदर क्या होगा, तो मजदर ध्यान रखना जिसका भी लास्ट में ना आता है ना, वो मजदर कहलाता है। यहाँ पर देखो, रंग ना आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन, खसलत की जमा क्या होगी, खसलत की जमा होती है खसाइल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाँच नंबर पर, जिस लफ्ज़ का कोई माना ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उस लफ्ज़ को लफ्ज़ मुहमल कहते हैं, जिसका माना हो लफ्ज़ मौजू कहते हैं उसको। ठीक है, बाकी परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। छः नंबर क्वेश्चन आपके पास, दिल भर आना का मतलब होता है नाराज़ होना, पसंद होना, रोने के करीब होना, उसके बाद रंजीदा करना। छः नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर, सही आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोग एक बार जवाब देंगे। दिल भर आना का मतलब होता है क्या हो जाएगा आपका, रोने के करीब होना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। छः नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो, सात नंबर क्वेश्चन आपके पास, दर्ज ज़ैल में लकब की निशानदही कीजिए। दबीरुल मुल्क, बुलबुल हिंद, शेखू बिन बहादुर शाह। ठीक है, आप लोगों को मैं डेमो दिखा दूंगा इंग्लिश मॉडल पेपर का, जो कि आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, और ये तो आप लोग देख ही रहे हैं उर्दू मॉडल पेपर का। ठीक है, लास्ट तक आप लोग क्लास में बने रहना, लास्ट तक बने नहीं रहना है तो आप लोग लास्ट में एक बार देख लेना, लास्ट में आप लोगों को मॉडल पेपर दिखा दूंगा। ठीक है, देखो, सात नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, दर्ज ज़ैल में लकब की निशानदही कीजिए, तो लकब आपका बुलबुल हिंद हो जाएगा। ठीक है, दबीरुल मुल्क जो है आपका खिताब का मिसाल हो जाएगा, और शेखू जो यहाँ पर दिया हुआ है ये आपका उर्फ का मिसाल हो जाएगा, और बिंत बहादुर शाह, तो बिंत लग गया आप लोग समझ लीजिए ये कुन्नियत है। ठीक है, अब देखो, आठ नंबर क्वेश्चन आपके पास, हथेली पर सरसू जमाना का मतलब होता है, तो हथेली पर जो सरसू जमाने का मतलब होता है नामुमकिन काम करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नाइन नंबर क्वेश्चन, आज की जिद क्या होगी, काफी आसान क्वेश्चन, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कल हो जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन, सदर की जमा क्या होगी, तो सदर की जमा क्या होती है, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, सदर की जमा यहाँ पे ऑप्शन इस साइड में दिया हुआ है, ध्यान से सारे स्टूडेंट देख लेंगे एक बार। देखो, अशआर, तसावीर, औसाफ या फिर सदूर, तो सदर की जमा होती है सदूर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्यारह नंबर पर पूछ रखा हुआ है, इसमें नकरा जिससे किसी इस्म की बराई, बुराई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बड़ाई, बड़ाई जाहिर हो उसे क्या कहते हैं, बराई से मुराद बड़ापन, बड़ापन जाहिर हो, ठीक है, तो जिससे छोटापन जाहिर होता है उसे इसमें मुसक्कर कहते हैं, जिससे बड़ापन जाहिर होता है उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं। अगला सवाल, बारह नंबर पे, दर्ज ज़ैल में से कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है, इज्जत, कली, परवाज, कलाम, सही आंसर की बात करें, दर्ज ज़ैल में से कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर हो जाएगा, आप लोग एक बार बताने की कोशिश करना, तो जितने स्टूडेंट यहाँ पे मुजक्कर, कलाम बता रखे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बारह नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने डी जो भी बता रखा है बिल्कुल सही है। तेरह नंबर क्वेश्चन, शेर को जो है वजन करने के लिए चंद अरकान के मजमुए को क्या कहते हैं, तो उसे बहर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बहर कहते हैं। आप लोगों ने नज़ीर अहमद की कहानी अगर पढ़ रखी होगी, वो खाका, तो उसमें बताया गया है आप लोग
जान सकते हैं। ठीक है, देखो 14 नंबर क्वेश्चन आपके पास, कतआम कितने मिसरे होते हैं, कतआम टोटल जो है कितने मिसरे होते हैं आप लोग एक बार बताना। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यानी चार मिसरे होते हैं टोटल। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कफ का माना होता है तो बलगम हथेली फीन इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन जैल में साबिका वाला लफ्ज कौन है, शुरू में कोई हर्फ या लफ्ज आकर के उसका माना को तब्दीली कर दे बदल दे तो उसी को कहते हैं साबिका। ठीक है, तो देखो बा आकर के हुनर का माने को तब्दीली किया है, बा आकर के कायदा का माने को तब्दीली किया और तमीज का माने को बा आकर के तब्दीली किया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 17 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, तो मुजक्कर की बात करें बिस्तर जो है ना आपका मुजक्कर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन वजीर की जमा क्या होगी, वजीर की जमा होती है वजूरा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन जान में जान आना का मतलब होता है, जान में जान आना का मतलब होता है तसल्ली होना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब लोग अब आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा तेजी के साथ कर रहे हैं आप लोग तो बच्चा है नहीं इसलिए आप लोगों को ये सारा चीज अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। 20 नंबर क्वेश्चन मुसर्रत की जिद क्या होगी, तो मुसर्रत की जिद होती है खुशी, आपका क्या हो जाएगा मुसर्रत की जिद आपका गम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा क्योंकि मुसर्रत का माने खुशी होता है तो खुशी का आपका गम होगा ना गम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है पुंजी में नून की कौन सी किस्म इस्तेमाल होती है, तो नून गुन्ना हो जाएगा यहाँ पे, पुंजी जो है ना नून गुन्ना से इस्तेमाल हुआ है, नून गुन्ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास वह जमीर जो किसी आदमी या जगह या चीज के बदले में आए उसे क्या कहते हैं, उसे जमीर शख्सी कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जमीर शख्सी। 23 नंबर क्वेश्चन किस अलामत की वजह से हुरूफ में नून की आवाज निकलती है, तो तनवीन के वजह से, इस तरह का तशदीद होता है। ठीक है, नुक्ता को क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं, तो आपका तनवीन के वजह से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन दुश्मनी का मुतरादिफ क्या होगा, तो आपका मुतरादिफ अदावत, ऑप्शन नंबर बी यानी दुश्मनी और अदावत ये दोनों एक लफ्ज है, एक टाइप का लफ्ज है। ठीक है, इसी को मुतरादिफ कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन उर्दू हरूफ के मखजन के कितने मुकामात हैं, तो मखजन के उर्दू हरूफ के मखजन के कितने मुकामात हैं आप लोग बताना। 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 6 मकामात है, इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है भाई, दुश्मनी का मुतरादिफ पूछ रखा है। ठीक है, या ऐसा नहीं कि हम वर्ड मैं यहां पे नहीं कहना चाहा आप लोगों को, यहां पे मैंने आप लोगों को यह कहा कि दुश्मनी का जो माना होता है वही अदावत का भी माना होता है, इसी को मुतरादिफ लफ्ज कहते हैं। ठीक है, देखो 25 नंबर क्वेश्चन है उर्दू हरूफ के मखजन, ये आपका 6 हो गया आपका। देखो 26 नंबर क्वेश्चन एक तीर से दो शिकार का माना होता है, तो एक साथ दो काम करना, ये काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन ख्याल की जमा होती है ख्यालात, ऑप्शन नंबर सी बहुत आसान क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन हिंदुस्तानी सिफत की कौन सी किस्म है, तो देखो हिंदुस्तानी जो है ना सिफत की कौन सी किस्म हो जाएगा, सिफत निस्बती हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए आप एक हिंदुस्तान है, मान लीजिए आपका नाम अहमद है, तो बोलेंगे हम अहमद हिंदुस्तानी है, अहमद का लगाव किसके तरफ से है, हिंदुस्तान के तरफ से है, तो जब भी लगाव वाला हो जाए तो सिफत वो आपका सिफत निस्बती हो जाएगा, क्योंकि निस्बत है हिंदुस्तान के तरफ, आपका निस्बत हिंदुस्तान से रिलेटेड है। ठीक है, सिफत निस्बती हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, ठीक है, जितना भी निस्बत वाला आ जाए वो आपका सिफत निस्बती हो जाएगा। देखो 29 नंबर क्वेश्चन जो बोलने वाले या मुखातिब के जहन में कोई चीज मखसूस या मुतायन हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे माऊद कहते हैं आपका। देखो ऑप्शन में कहाँ पे है माऊद, इधर आएगा आपका, हाँ देखो माउथ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखो 30 नंबर क्वेश्चन दौलत की जिद क्या होगी, दौलत की जिद आपका इज्जत कहाँ है भाई, गुर्बत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुर्बत हो जाएगा, दौलत की जिद आपका गुर्बत हो जाएगा। देखो 31 नंबर क्वेश्चन दर्जायल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, तो दर्जायल में से मुअन्नस लफ्ज आपका क्या हो जाएगा, तूफान, आंधी, तूफान, शोर, इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन का आप लोग पहले जवाब देना एक बार, 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जितने स्टूडेंट दे चुके हैं आंधी बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा, आंधी जो है ना ये एक मुअन्नस लफ्ज है। 32 नंबर क्वेश्चन मर्ज का मुतरादिफ क्या होगा, मर्ज का मुतरादिफ होता है रोग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन मुंह पसारना का मतलब होता है लालच करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन जिंस के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है, जिंस के एतबार से टोटल जो है आपका 5 किस्में होती है, कौन कौन सी किस्में मैं आप लोगों को बता देता हूं, मुजक्कर हकीकी, मुअन्नस हकीकी और मुजक्कर गैर हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी और एक क्या होता है आप लोग एक बार बताना। ठीक है, तो अभी वो जहन में नहीं आ रहा है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, देखो 35 नंबर क्वेश्चन आपके पास मजदर की कितनी किस्में होती है, मजदर की टोटल कितनी किस्में होती है आप लोग बताना एक बार। ठीक है, जल्दी जल्दी बताना सारे स्टूडेंट, मजदर की टोटल 6 किस्में होती है, कितनी किस्में होती है, मजदर की टोटल 6 किस्में होती है, आप लोग ध्यान रखना 6 यहाँ पे दिया हुआ है। देखो 36 नंबर क्वेश्चन उर्दू कवायद के किस हिस्से में हुरूफ तहज्जी और मखजन वगैरह की जानकारी मिलती है, तो आप लोगों को बताना है जल्दी से क्या होगा, जल्दी से बताना। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन का तो इल्म हिज्जा जितने स्टूडेंट बता रखे हैं उन लोगों का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इल्म हिज्जा। अब देखो अगला क्वेश्चन, वाओ
वह वाव जो लिखा जाए मगर पढ़ा ना जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं आप लोग एक बार बताना जल्दी से, तो उसे वाव मादुला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, वाव मादुला कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं आप लोगों को एक जिनसे आम होता है वो क्या होता है, जिनसे आम क्या क्या, मुजक्कर हकीकी, मुअन्नस हकीकी, मुजक्कर गैर हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी, और एक होता है जिनसे आम, जिनसे की पांच किस्मों में से। देखो वाव मादुला यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी वाव मादुला। अगला क्वेश्चन 38 नंबर पे, वैसे अल्फाज जिनमें एराब का फर्क पाया जाए उसे क्या कहते हैं, तो वैसे अल्फाज जिनमें एराब का फर्क पाया जाए उसे कहते हैं हम जिन्स अल्फाज कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम जिन्स अल्फाज, ऑप्शन नंबर सी विल बी द परफेक्ट एंड राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, शरीफ की जमा क्या होगी, तो शरीफ की जमा होती है शोरूफा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आज की इस क्लास में हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो है कंटिन्यू पूरा 75 क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, और जाइए प्ले स्टोर पर, आपको एप्लीकेशन पर जो है कंप्लीट नोट्स PDF और वीडियो लेक्चर हर एक चीज़ का सुविधा मिल पाएगा आसानी के साथ। आप लोग वहाँ काफ़ी कम फी है, उस फी को अदा करके आप लोग जो है काफ़ी आसान तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं। आइए मैं आप लोगों को कुछ डेमो के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर को दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करें। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे देख रहे होंगे बिहार BPSC इंग्लिश मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट वन, ये सेट वन है। इसी तरह हर एक सेट आप लोगों को 10 सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। देख सकते हैं इसका क्वेश्चन कैसे है, नहीं है, ये सारा चीज़ आप लोग डेमो के लिए देख लें। इसका जो है आप लोग चाहे व्हाट्सएप के जरिए ज्वाइन हो जाएं, या फिर चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर सर्च करिए AS उर्दू एजुकेशन, वहाँ से भी आप लोगों को मिल जाएगा। या फिर अगर आप लोगों को वहाँ से भारी लगता है मेरा नंबर पर कॉन्टैक्ट करें आप लोग 9508214760, इस नंबर पर रابطہ करके आप लोग आसान तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, कैसा लगा आप लोगों को आज का क्लास, अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक शेयर करना, अपने फ्रेंड को बताना, सब लोगों को बताना। इस चैनल पे क्लासेस डेली क्लासेस होगी, यहाँ पे देखिए आंसर शीट भी दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है, तो हर एक चीज़ दिया हुआ है। इसी तरह हर एक सेट 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलेगा, 10 प्रैक्टिस सेट इसका उर्दू का मिलेगा, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो 10 से 15 दिन के अंदर में मैं काफ़ी बेहतरीन तैयारी करा दूंगा, ठीक है, जितना दिन बचा है आप लोगों का सारा कंप्लीट पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।